तो मूवी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका से, जहां कुछ इंटरपोल एजेंट्स अपनी लीडर लिन के साथ इस खतरनाक कैदी कीथ को अपने हेडक्वार्टर में ले जा रहे थे। पर तभी जैसे ही वो कांगो बॉर्डर के पास आए तो इतने में ही उन पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया, जिसमें इनका बहुत तगड़ा शूटआउट हुआ। तो उन गुंडों के नंबर में ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर इंटरपोल एजेंट्स मारे गए। तब लिन जैसे तैसे उस कैदी कीथ को लेकर भाग निकली, जिसके साथ ही द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं 24 आवर्स टू लिव। खैर, तो अब कहानी में सीन एक फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट किलर ट्रेविस पर आया, जो कि अपने ससुर फ्रैंक के साथ फिशिंग कर रहा था। असल में ट्रेविस का बेटा और उसकी बीवी एक साल पहले मारे गए, जिसके बाद से ही फ्रैंक ट्रेविस के साथ रहता था। तभी ट्रेविस फ्रैंक को घर छोड़कर एक बार में आया, जहां उसने जैसे ही अपनी ड्रिंक ली तो उसने नोटिस किया कि जैसे दो लोग उसे फॉलो कर रहे हो। इसलिए तब उसने टॉयलेट की तरफ जाकर उन दोनों को वहां टॉयलेट एरिया में पकड़ लिया, जिन पर अटैक करके उसने पूछा कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तब उन लोगों ने बताया कि हम रेड माउंटेन एजेंसी से है। असल में ट्रेविस भी रेड माउंटेन एजेंसी में ही एक हिटमैन का काम करता था, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया। तभी उन लोगों ने बताया कि जिम आपसे मिलना चाहता है, लेकिन ट्रेविस ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं अब रिटायर्ड हो चुका हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो बार में वापस आया तो तभी उसके पास जिम आ गया, जिसने उसे एक जॉब ऑफर करी, जिसमें ट्रेविस को एक आदमी को मारना था, जिस पर ट्रेविस ने पहले तो मना कर दिया। लेकिन जैसे ही जिम ने उसे $1,000,000 पर डे के हिसाब से ऑफर किए, तो ट्रेविस इस काम के लिए मान गया कि चलो भाई आखिरी काम है, कर देते हैं। जो सुनकर जिम ने उसे इनके टारगेट की फोटो दिखाई, जो कि असल में कीथ ही था। असल में कीथ को इंटरपोल एजेंट इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि कीथ रेड माउंटेन एजेंसी के अगेंस्ट काफी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने वाला है, जिससे कि एजेंसी के घोड़े लग जाएंगे। तो इसलिए रेड माउंटेन वाले चाहते हैं कि ये लोग कीथ को मार दें। साथ ही इन्हें सिर्फ कीथ को नहीं बल्कि लेन को भी मारना है, जो कि एक बच्चे की माँ है। तब ट्रेविस ने यह सुनकर मना कर दिया कि मैं किसी माँ को नहीं मारूंगा, जिस पर जिम ने उसे समझाया कि तुम्हें यह काम प्रोफेशनली करना है, ना कि इमोशनली, जो सुनकर ट्रेविस लिन को मारने के लिए भी मान गया। तभी सीन हांगकांग में आया, जहां लिन अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। असल में वो अभी साउथ अफ्रीका में ही थी और उसका बेटा हांगकांग में। तब ट्रेविस, जो कि हांगकांग में ही था, तो वो जल्दी से लिन के घर पर पहुंच गया, जहां उसने ऐसे नाटक किया कि वो लिन का कॉलेज फ्रेंड है। इसलिए तब उसने लिन की मदर और बेटे को भी अच्छे से देख लिया। साथ ही उसे ये भी खबर मिल गई कि कल लिन वापस हांगकांग में आने वाली है, तो इसलिए अभी उसके पास 24 घंटे थे, तो वो वापस साउथ अफ्रीका की फ्लाइट लेकर आ गया, जहां उसने लिन को ढूंढ कर इस फ्लाइट के सिस्टम को थोड़ा हैक किया, जिससे कि हांगकांग की फ्लाइट डिले होने लगी। तभी उसने अपने लुक्स का भी जादू चलाया, जिससे कि लिन काफी इंप्रेस हो गई। इसलिए ये दोनों साथ में डिनर करने लगे, जहां इनकी काफी गहरी बातचीत के बाद ये लोग एक होटल में भी आ गए। तब जैसे ही लिन बाथरूम में गई, तो तभी ट्रेविस उसका फोन हैक करके सारी इंफॉर्मेशन निकालने लगा। साथ ही उसने लिन को मारने का भी पूरा इंतजाम कर लिया था, पर जैसे ही लिन बाथरूम से वापस आई तो तभी वो उसे बिना मारे यहाँ से निकल गया। जो देखकर लिन को थोड़ा शक हुआ, तो वो तभी के तभी उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई, जहाँ उसने ट्रेविस के ऊपर गन पॉइंट करी, तो तभी इनके बीच क्रॉस फायरिंग होने लगी, जिसमें कि ट्रेविस यही मारा गया। तब अपने आखिरी समय में उसे अपना बेटा और बीवी दिखने लगे, पर तभी अचानक से उसकी आंख खुली, जहां में पता चला कि एक डॉक्टर एलन ने उसका इलाज कर दिया है। तभी उसे जिम भी मिलने आया, जो बोला
कि रेड माउंटेन ने तुम्हें अलग अलग प्रोसेस के थ्रू बचा लिया है, जो सुनकर ट्रेविस थोड़ा चौंक गया। जिस बीच रेड माउंटेन का लीडर टोनी इनसे मिलने आया। तब टोनी ने ट्रेविस से कीथ की लोकेशन मांगी, जो इस बार ट्रेविस ने एक बार में दे दी, जिसके बाद टोनी ने ऑर्डर दिया कि हमारा काम पूरा हुआ तो अब खत्म कर दो इसे, जो सुनकर ट्रेविस ने जिम से उसके हाथ खोलने के लिए कहा, लेकिन जिम ने हाथ खोलने की जगह यहाँ डॉक्टर एलन को बुला लिया, जो कि अब ट्रेविस को पूरे तरीके से मारने वाली थी। लेकिन तभी ट्रेविस ने अपने हाथ जैसे तैसे खोल लिए, जिसके बाद उसने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को उनकी औकात दिखाई और फिर डॉक्टर एलन से पूछने लगा कि आखिर ये क्या चक्कर है, जिस पर एलन ने बताया कि ट्रेविस तो मर चुका था, लेकिन इन लोगों ने एक इलीगल एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे 24 घंटे के लिए ही जिंदा किया है, ताकि इन्हें कीथ की लोकेशन मिल जाए। तब ये सुनते ही ट्रेविस डॉक्टर एलन को अपनी बंदी बनाकर यहाँ से बाहर निकलने लगा, जहाँ उसका सामना काफी गार्ड से भी हुआ। साथ ही उसने अपना टाइम भी चेक किया कि अब उसके पास सिर्फ 20 घंटे ही बचे थे, इसलिए उसने फ्रैंक को कॉल करके कहा कि शायद वो अब वापस ना आ पाए, जिसके बाद वो एक टैक्सी को हाईजैक करके यहाँ से भाग निकला। तभी यहाँ से सीन कीथ पर आया, जो कि यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल के सामने अपना बयान दे रहा था कि असल में जब वो कॉन्गो में रेड माउंटेन के लिए काम करता था, तो तभी उसे 70 लोकल रेजिडेंट की डेड बॉडी मिली, जिनके ऊपर रेड माउंटेन के द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जो कि ऑफ कोर्स इलीगल भी थे। तब रेड माउंटेन ने उन 70 लोगों को ऐसे ही जला दिया, ताकि यहाँ कोई भी सबूत ना रह जाए। साथ ही उन्होंने कीथ को काफी पैसे भी दिए, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, लेकिन कीथ के मन में गिल्ट आ गया, इसलिए अब वो सब कुछ रिवील करना चाहता था। तब उसके इस इंटरव्यू के बीच ही यहाँ एक तगड़ी वाली गोली आई, जिससे कि यहाँ अलग ही कलेश मचने लगा। असल में यहाँ जिम आ गया था, जिसने यहाँ सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया। तब कीथ ने सबसे पहले वो कैमरा बचाया, जिसमें कि उसने अपना कन्फेशन दिया था। साथ ही लिन भी उसे प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ से बाहर निकालने लगी, लेकिन यहाँ चारों तरफ रेड माउंटेन के आदमी थे, तो इसलिए यहाँ से इन्हें भागने में काफी दिक्कत होने लगी। जिस बीच कुछ हिटमैन ने लिन और कीथ को गन पॉइंट पर भी ले लिया, पर तभी यहाँ ट्रेविस आ गया, जिसकी गाड़ी में लिन बैठना तो नहीं चाहती थी, पर अभी कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो ट्रेविस के साथ ही निकल गई। तब यहाँ से निकलने के बाद भी रेड माउंटेन के लोग इनका पीछा करने लगे, जहाँ इन्होंने उन पर अच्छे से क्रॉस फायरिंग करी, पर जैसे ही इन्हें लगा कि सारा मामला ठीक हो गया है, तो तभी जिम ने अपनी स्नाइपर राइफल से कीथ को मार दिया, जो देखकर इन्होंने गाड़ी साइड में लगाई, जहाँ कीथ ने मरते मरते बताया कि उसने उस कैमरा में से मेमोरी कार्ड निकाल लिया था, जिसका मतलब इनका वो कन्फेशन वाला वीडियो अभी भी सेफ है। वहीं दूसरी तरफ जिम के हाथ जब वो कैमरा आया, तो उसने देखा कि इसमें तो मेमोरी कार्ड है ही नहीं, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तो तभी टोनी ने उसे धमकी दी कि मुझे कैसे भी करके वो मेमोरी कार्ड ला कर दो, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को ही नहीं छोड़ूंगा, जो सुनकर जिम ने लिन के बेटे क्रिस्टोफर को ही किडनैप करने का प्लान बनाया। वही दूसरी तरफ लिन और ट्रेविस कीथ की बॉडी का साइड में लगाने लगे, जिस बीच लिन ने ट्रेविस पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि हाँ, अब ये साथ देने वाला बंदा है, क्योंकि ट्रेविस ने ये बता दिया था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एलन ने उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे कुछ घंटों का ही मेहमान रहने दिया है। तभी लिन को जिम ने फोन करके बताया कि तुम्हारा बेटा किडनैप हो चुका है, तो अगर तुम चाहती हो कि वो ना मरे, तो हमें वो मेमोरी कार्ड वापस दे दो, जो सुनते ही लिन काफी शॉक्ड हुई, जिस पर ट्रेविस ने उससे प्रॉमिस किया कि हम तुम्हारे बेटे को जरूर बचा लेंगे। इसलिए रात को ये क्रिस्टोफर की जान बचाने के लिए निकले, जिस बीच ट्रेविस को हेलुसिनेशन होने लगे। असल में उसे अपनी बीवी और बेटा जिंदा दिख रहे थे, क्योंकि अब उसका मरने का टाइम आ रहा है, जिसकी वजह से वो मेंटली वीक होने के साथ साथ फिजिकली वीक भी होने लगा।
तभी वो जैसे तैसे अपने घर पर आया, जहां से उसने वेपन्स और बाकी बम वगैरह उठा लिए, जिसके बाद वो यहां से अपने एक अफ्रीकन दोस्त एमिली से मिला, जिसको ट्रेविस ने रेड माउंटेन के खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया कि कैसे वो लोग अफ्रीकन्स को ऐसे ही मार रहे हैं। तब ये सुनकर एमिली ने ट्रेविस और लिन का साथ देने का फैसला किया, जिसके अगले दिन रेड माउंटेन का एक गुंडा जैक कॉन्गो में आ गया, जो कि क्रिस्टोफर और इस मेमोरी कार्ड की डील करने आया था। तभी उसकी मुलाकात ट्रेविस से हुई, जहां ट्रेविस ने जैक को ऑर्डर दिया कि तुम यहां क्रिस्टोफर को छोड़कर चले जाओ, जिसके बदले में तुम्हें $3,00,000 मिलेंगे। पर जैक ने इस ऑफर को मना कर दिया, जिस बीच एमिली के सारे लोकल गुंडों ने जैक और उसके गुंडों को घेर लिया। तब ट्रेविस ने उसे वार्निंग देने की कोशिश करी कि मैं यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहता, लेकिन वो खून खराबा तो तब करेगा ना जब खड़ा रह पाएगा, क्योंकि अभी तो ये भाई साहब खुद ही गिर रहे थे, जो देखकर जैक उसे मारने ही वाला था। पर एमिली ने तभी के तभी जैक को उड़ा दिया, जिसकी वजह से रेड माउंटेन के गुंडों और एमिली के आदमियों में लड़ाई होने लगी, जिसे ट्रेविस बड़े आराम से लेट कर देख रहा था। तभी इस कलेश में रेड माउंटेन का मेंबर यहाँ से भागने लगा, जिसमें लिन को लगा कि उसका बेटा है, तो तभी एक रेजिडेंट ने उस कार को उड़ा दिया, जो देखकर लिन शॉक में चली गई कि उसका बेटा नहीं रहा। लेकिन तभी ट्रेविस, जिसकी आत्मा वापस जिंदा हो गई, तो वो लिन को कार में लेकर एक दूसरी गाड़ी का पीछा करने लगा, जहाँ इन्होंने उस गाड़ी को फोड़ा नहीं बल्कि उसमें टक्कर मारी, जिसमें से इन्होंने क्रिस्टोफर को बचा लिया। तब इन दोनों माँ बेटे को साथ में देखकर ट्रेविस को अपना अच्छा टाइम याद आने लगा कि कैसे वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ काफी खुश रहता था। तभी उसने अपना जिंदा रहने का बचा हुआ टाइम देखा, जो कि सिर्फ 36 मिनट ही रह गए थे, इसलिए तब उसने लिन से कहा कि तुम ये एविडेंस अथॉरिटीज को देने चले जाओ, जिस बीच में इस रेड माउंटेन को खुद खत्म करता हूँ। जो कहकर उसने जैक के एक आदमी को पकड़ लिया कि मुझे रेड माउंटेन के हेडक्वार्टर में लेकर चलो। जिस बीच ट्रेविस को जिम की एक बात याद आई कि उसके बेटे और बीवी को उसी के दुश्मनों ने मार दिया है। तभी ये लोग हेडक्वार्टर में आए, जिसे टोनी और जिम ने नोटिस कर लिया, इसलिए टोनी ने भी एक ऑर्डर दिया कि जल्दी से ट्रेविस के ससुर फ्रैंक का खेला कर दो, जिसे ट्रेविस फोन करके इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन फ्रैंक अभी फोन ही नहीं उठा रहा था। तभी ट्रेविस ने अपनी कार बड़ी तगड़ी तरीके से इस हेडक्वार्टर में घुसा दी, जिसकी वजह से बिल्डिंग काफी टूटने भी लगी। जिस बीच यहाँ रेड माउंटेन के बंदे फ्रैंक को मारने पहुंचे, तो फ्रैंक ने पहले ही बड़ी फ्रैंकली से इनका वेलकम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रेड माउंटेन के हेडक्वार्टर में ट्रेविस ने अपनी कार से एक बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिस वजह से इस पूरी बिल्डिंग की लुप-लुप होने लगी। तब बिल्डिंग के साथ साथ टोनी की भी लुप-लुप हुई, इसलिए उसने अपने आदमियों से यहाँ एक हेलीकॉप्टर मंगा लिया, ताकि वो जल्दी से भाग पाए। साथ ही उसने अपने दूसरे आदमी को ऑर्डर दिया कि लिन और उसके बेटे को खत्म कर दो। जिस बीच ट्रेविस, जो कि काफी इंजर्ड था, साथ ही वो मरने वाला था, तो उसका शरीर काफी वीक भी हो रहा था, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से ऊपर आया, जहाँ जैसे ही वो टोनी के रूम में घुसा तो फिर से उसे हेलुसिनेशन होने लगी। अब कितना हेलुसिनेशन करेगा भाई। खैर, अब जैसे ही हेलीकॉप्टर आने वाला था, तो तभी उसने अपनी गन टोनी और जिम पर पॉइंट कर दी, जिस बीच टोनी ने बताया कि जिम ने ही तुम्हारी फैमिली को मरवाया था, ताकि ट्रेविस रेड माउंटेन से रिटायर ना हो। तब जिम ने एक और सच बताया कि असल में ये काम मैंने टोनी के कहने पे ही किया था, क्योंकि टोनी ने उसे धमकी दी थी कि या तो अब तुम्हारी फैमिली जाएगी या फिर ट्रेविस की। जो सुनकर ट्रेविस ने सबसे पहले टोनी के शोल्डर में फायरिंग करी, जिसके बाद वो यहीं लेट गया, क्योंकि अब उसकी वीकनेस एकदम नेक्स्ट लेवल हो चुकी थी। जो देखकर जिम ने इस धोखेबाज टोनी का साथ छोड़कर ट्रेविस का साथ देने का फैसला किया, इसलिए उसने ये ऑर्डर दिया कि लिन और उसके बेटे को कोई कुछ नहीं कहेगा,
जिसके बाद उसने अपनी गन टोनी पर पॉइंट करी तो तभी यहाँ रेड माउंटेन के सारे बंदे आ गए जो उससे कहने लगे कि टोनी को छोड़ दो, जिसके बदले हम तुम्हें भी छोड़ देंगे। लेकिन जिम ने अपने दोस्त और दोस्त की फैमिली का बदला लेने के लिए टोनी को यहीं मार दिया, जिसके बाद रेड माउंटेन के लोगों ने भी उसे मार दिया, जिससे कि जिम, ट्रेविस और टोनी तीनों यही मारे गए। पर तभी ट्रेविस की अचानक से आंख खुली, जिससे हमें ये नहीं पता दोस्तों कि डॉक्टर एलन ने उसे दोबारा से जिंदा किया है या फिर ये उसका लास्ट हेलुसिनेशन था। पर मुझे जहां तक लगता है कि डॉक्टर एलन ने उसे जिंदा कर लिया होगा, क्योंकि जब इनके पास 24 घंटे का प्रोसीजर है तो उससे ज्यादा का भी होगा, है ना दोस्तों? आपको क्या लगता है लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करो। बाकी मूवी में कुछ कमी लगी हो या कुछ बढ़िया लगा हो वो भी कमेंट कर देना। इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।